Pratik Jain. Wow, nice name. Thank you so much. I'm Nam. Nam. In Hindi, Nam means name. Really? Your name is name. My name is name. Name. 380. It's so expensive, but in the luxury. Luxury, but it's expensive, right? स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए एपिसोड में, सेकंड एपिसोड में हांगकांग चाइना सीरीज के। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हांगकांग कितना एक्सपेंसिव है, मतलब कितना महंगा है हांगकांग सिटी, हम इंडियंस के लिए या फिर किसी के लिए भी आम पब्लिक के लिए। हम अच्छे से इसको परखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे, नीचे उतरेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सैर करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना। सबसे पहला बात तो हॉस्टल बता देता हूं, बिकॉज जो फर्स्ट वीडियो था, पिछला वीडियो था, उसमें मैं इंडिया से हांगकांग फ्लाई करता हूं, आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन समझाता हूं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, हॉस्टल में पहुंचता हूं और फिर वीडियो समाप्त कर लेता है ना, क्योंकि थक भी गया था उस टाइम, चेक इन भी नहीं मिला था। अभी 2:30 भी बज गए हैं, चेक इन भी मिल गया, इनफैक्ट कमरा भी आप देख लो, 8 बेड का ये मिक्स डॉर्म है। और मैंने रेट तो हालांकि पिछली बार बताया था, पिछले वीडियो में लास्ट में बताया था कि भाई $25 भर रहा हूं एक रात का, यानी कि 2100 रुपया होता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हांगकांग कितना महंगा है ना। तो यहां से तो शुरुआत हो गई कि देख लो, हॉस्टल का बेड अगर चाहिए तो 2000 रुपया मिनिमम आपका बजट होना चाहिए। अभी नीचे उतरते हैं, करेंसी एक्सचेंज कराते हैं, खाना पीना खाते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, फिर कोई 5 स्टार में भी एक आधा ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ पी के देख लेंगे कि उधर कितना एक्सपेंसिव है, फिर कुछ अट्रैक्शंस कवर कर लेंगे, मार्केट देख लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, है ना। लेट्स गो। हांगकांग में अगर आपको बेस्ट करेंसी रेट चाहिए ना, मतलब गूगल से भी अच्छा, मजाक नहीं कर रहा, तो एक ही जगह है, चंकिंग मेंशन के अंदर आओ, 2-3 आपको करेंसी शॉप्स दिखेगी, सबको अवॉइड करो या फिर एक बार पूछ भी लेना उनसे रेट, है ना। फिर यहाँ पे आना और यहाँ पे आपका $ से हांगकांग डॉलर एक्सचेंज करवाना। क्यों? क्योंकि ले भाई साहब, ये सब जगह रेट है 354 हांगकांग डॉलर, $50 के बदले गूगल बता रहा है $386, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब ने दिए $390 हांगकांग, $50 के बदले। मतलब आप सोच रहे हो गूगल से भी ज़्यादा दिए, विदाउट बार्गेनिंग, विदाउट कुछ सामने से, तो और क्या चाहिए, है ना। पता है ऐसा क्यों है शक्ति कपूर का मुंह, ठीक है, यहाँ पे रेट्स ही वैसे होते हैं भैया। हांगकांग में प्योर इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चाहे कोई भी ले लो, इस वक्त हालांकि मैं ब्रांटो रेस्टोरेंट में आया हूँ जो कि मेरे हॉस्टल से महज 3 मिनट बाय वॉक ही था। अरे अल्फोंसो मैंगो भी है यहाँ पे, पाव भाजी है $79, है ना, लस्सी पीनी है तो $32, पनीर भुर्जी खानी है तो $89, मैंने मंगाई है पूरी भाजी $79। अब ये डॉलर जो है हांगकांग डॉलर इनटू 11 रुपीज़ आप करते जाओ। सच कहूँ तो एम्बियंस और क्लीनलीनेस के हिसाब से ये रेट सही भी लगे ब्रांटो रेस्टोरेंट के, अगर ओवरऑल हांगकांग में दूसरे रेस्टोरेंट से कंपेयर करूँ तो। बाकी यार थाली सिस्टम भी है 99 में, ओवरऑल टेस्ट और क्लीनलीनेस के हिसाब से ये जगह मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगी। बाकी तो स्ट्रीट्स पर वेज खाना भूल ही जाओ, चीप स्ट्रीट फूड आसानी से मिल जाएगा फॉर नॉन वेजिटेरियंस। भैया 850 की पूरी भाजी खाने के बाद अब हम निकल पड़े हैं मेट्रो की सवारी करने, चिमचाशुई जो अपने इलाके की मेट्रो है ना, वहाँ से हम 3 स्टॉप आगे मॉन्गकॉक स्टेशन जाएंगे, जहाँ पे बड़े बड़े मार्केट, स्ट्रीट मार्केट से वहाँ पे देखेंगे आइटमों के रेट्स, जो भी प्रोडक्टों के रेट, फिर वहाँ से हम जाएंगे एक 5 स्टार प्रॉपर्टी या कोई ऐसी जगह पे, रुकने के लिए नहीं भैया, मतलब कुछ एक छोटा मोटा जूस वूस पीने, देखेंगे वहाँ कितना कॉस्टली है ना। पहले मेट्रो पकड़ते हैं और देखते हैं इसका क्या रेट है। बाय द वे ये ऑक्टोपस कार्ड है, अगर फर्स्ट वीडियो आपने देखा है, मतलब पिछला वीडियो देखा है, तो उसमें मैंने एयरपोर्ट से ही ये खरीदा था, तो इसकी मदद से आप मेट्रो, बस और 7-Eleven में किधर भी कुछ भी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। $5.6 हांगकांग डॉलर कटा। ये हम आ गए हैं हांगकांग का फेमस स्ट्रीट मार्केट, मॉन्गकॉक मार्केट। इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, मतलब
काफ़ी सारी गलियां है जिसमें ऐसे ऐसे स्टॉल्स है जिसमें फ़ोन से रिलेटेड, कपड़े से रिलेटेड, पर्स से रिलेटेड, एसेसरीज से रिलेटेड, बैग से रिलेटेड बहुत कुछ मिल जाता है। सो ये मॉन्कॉक मार्केट में मेरे को दो फिलिपिनो फ्रेंड्स मिल गए। यू फ्रॉम फिलिपिन मनीला? अच्छा, लाइक होटल स्टे, फूड, इज इट चीप और एक्सपेंसिव हांगकॉन्ग? एक्सपेंसिव राइट? हाँ हाँ, बट सिंगापुर इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। फिलीपींस, या आई नो फिलीपींस इज चीप। इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, एवरीथिंग, वियतनाम, वियतनाम। व्हाट अबाउट योर नेम? माय नेम इज एंड्रिया। एंड्रिया, या प्रतीक, प्रतीक जैन। वाओ, नाइस नेम, थैंक यू सो मच। आई एम नाम। नाम, इन 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 हिंदी नाम मीन्स नेम। योर नेम इज नेम, नेम, सो फनी। How much? 380. It's so luxury bag. Luxury, but it's expensive, right? Do they bargain? Or is it a fixed price? Yeah, I think you can bargain here. Yeah, okay. Still expensive. Oh, your friend bought this? Yeah. For how much? 65. Maybe around 700 Indian rupees. अब मेरे को पता नहीं, मैंने आईफोन कभी वापरा नहीं है, तुम लोग ही बताना। 700 रुपए का ये जो कवर है डायमंड वाला, वो सस्ता है कि महंगा है? या 59, चीपर। या यार महंगा लग रहा है, मतलब चाइना से माल आता रहेगा तो मेरे हिसाब से 200 ठीक है, 200 रुपया इंडियन करेंसी में, 18-19 ठीक है डॉलर, 59 तो बहुत ही ज़्यादा है, तीन गुना ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बाय बाय। ये देखो मेट्रो स्टेशन के बाहर है ना, ऐसे बैनर पकड़े हुए लोग बहुत मिलेंगे जो काफ़ी सारे ऑफर्स बताते हैं, जैसे कि $450 यानी कि $4,500 रुपये में तीन ट्रॉलियों बैग के पूरा सेट, जिसमें देखो अमेरिकन टूरिस्टर भी मेरे को दिख रहा है, लिखा हुआ तो है, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये रेट में तीन ट्रॉली बैग का सेट देंगे अमेरिकन टूरिस्टर। एनीवेज, मतलब ये चीज़ें बहुत देखने मिलेगी। हम मेट्रो और टैक्सी की मदद से आ चुके हैं रिच कार्ल्टन होटल वाली बिल्डिंग में, आईसीसी बिल्डिंग में, या फिर स्काई 100 ऑब्जर्वेटरी डेक, जो मर्जी कह लो, सबसे बड़ी बिल्डिंग है हांगकांग की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जाएंगे एकदम ऊपर और पूरा हांगकांग देखे के स्काईलाइन, और तो और कुछ अच्छा खा पी लेंगे, है ना? वही बात है, टैक्सी स्टार्टिंग से नहीं पकड़ी, आई मीन मॉन्कॉक से नहीं पकड़ी, इसका कारण ये है कि 3-4 गुना आ जाता। मैंने सोचा कि पूरा मेट्रो तक यूज़ करता हूँ, जितना तक नज़दीक आ सकता हूँ मेट्रो के सहारे, उसके बाद टैक्सी लेता हूँ। टैक्सी में भी $32 आ गया हांगकॉन्ग का, $27 हांगकॉन्ग डॉलर से स्टार्ट होता है यहाँ पे टैक्सी, मतलब 300 रुपये से स्टार्ट होती है टैक्सी, बताओ। हाउ मच फॉर द टिकट? $198. Sorry? Are you a Hong Kong resident? No, I'm from India. Okay. अरे वाह, 393 मीटर अबाव आ चुके हम। ये क्या है भाई? अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, बुर्ज खलीफा वाला याद आ गया, वो अपन गए थे ना 124वें माले पे, लेकिन काफ़ी फ़र्क है, सच कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखो सबसे पहला फ़र्क, जैसे ही आते हो वहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती है, पैर रखने की जगह नहीं होती, यहाँ पे भीड़ है ही नहीं। दूसरी चीज़ व्यूज़, वहाँ पे मतलब इतना व्यू नहीं दिखता है, दूर दूर दिखती है बिल्डिंगें, कम दिखती है, यहाँ पे देख लो हर जगह बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है, पूरा भर चुका है हांगकॉन्ग ऐसे लग रहा है ना। और तीसरी चीज़ रेट, यहाँ पे सिर्फ 2000 इंडियन रुपीज़ के आसपास लगता है, 2100 लगता है, और बुर्ज खलीफा 3,500-4,000 रुपया लगता है। वैसे कुछ चीज़ें बता देता हूँ, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये विक्टोरिया हार्बर है जहाँ पे भीड़ बहुत आती है। क्यों? क्योंकि सामने हांगकांग आइलैंड है ना, बिकॉज हांगकांग दो आइलैंड में आप गिन सकते हो, ये जो नदी के उस पार है ना वो हांगकांग मेन आइलैंड बोलते हैं, और ये काउलून इलाका बोलते हैं, ठीक है? अपन जिधर खड़े वो काउलून, चिमशाशुई जहाँ पे अपना स्टे वगैरह है, मॉन्कॉक जो गए थे हम, है ना, मार्केट, वो सब काउलून इलाके में है। और वो हांगकांग आइलैंड में जो भी बिल्डिंग है ना, सब लाइट शो होता है, सिम्फनी लाइट शो, जो आज हम शाम को अनुभव करेंगे बोट में बैठ के। जी हाँ, ऐसा खड़ा होके नहीं, उधर बोट में बैठ के करेंगे बीचों बीच में, तो काफ़ी शानदार नज़ारा होगा वो भी, है ना।
तो ये जो स्काई 100 ऑब्जर्वेटरी डेक है वहाँ पे रिच कार्टन भाई का कुछ कैफे है, वहाँ पे अगर रेट की बात करूँ तो 63 हांगकांग डॉलर का आइसक्रीम है जिसमें एग नहीं है, मतलब वेजिटेरियन है, चिप्स पोटैटो चिप्स जो कि 30 डॉलर का है, और जो ड्रिंक है सिग्नेचर ड्रिंक है इनका मॉकटेल, नॉट कॉकटेल मतलब अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं है उसमें, जिंजर लेमन का कोई ड्रिंक है वो तकरीबन 60 हांगकांग डॉलर का, आप कह सकते हो 150 हांगकांग डॉलर का जो भी है माल मसाला आएगा, मतलब 1600-1650 रुपये का। ये सिग्नेचर ड्रिंक क्या है भाई, ये क्या कापूस वापूस डाल के दिया क्या ऊपर है? अरे ये तो बुड्ढी का बाल है। अच्छा वीडियो देखते हो, क्या नाम है आपका? गौरव जी। अच्छा जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, मतलब धूप कम हो रही है अभी और अंधेरा हो जाएगा, तो वैसे वैसे जो लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है ना मज़ा आ रहा है, एकदम मौसम भी अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, वो मतलब बीच वाला मौसम रहता है ना जो सुकून देता है, बस वैसा मौसम है। तो भाई आज के दिन की अंतिम चीज़ कर रहे, अट्रैक्शन कर रहे, अनुभव कर रहे, और ये है विक्टोरिया हार्बर पे क्रूज का अनुभव करना, वो भी सिंपनी लाइट्स के टाइम। सिंपनी लाइट्स बेसिकली है क्या, तो शाम में 7:30-8 बजे ना ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है ना वो लाइटिंग इफेक्ट करती है और म्यूजिक छोड़ती है, मतलब म्यूजिक और लाइट शो होता है जो भी है, तो फ्री में तो आप देख सकते हो हर जगह पूरी भीड़ रहती है, पूरा ये जो है ना बे कोस्टल बे पूरा भरा रहता है लोगों का, वो ऑलरेडी भरा हुआ आपको दिख रहा रहेगा उस तरफ है ना। लेकिन मैंने सोचा कि $30 लगेगा, $30 नॉट हांगकांग डॉलर, लेकिन ये अनुभव कर लेते कि शिप में क्रूज में जहाँ पे ड्रिंक्स अनलिमिटेड है चाहे सॉफ्ट हो या हार्ड। ये रहा इनफैक्ट बार का काउंटर, आप देख रहे हो है ना, ये सब चीज़ें मिलता है $30 में अनलिमिटेड में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये अनुभव कर लूँ कि लाइटिंग और म्यूजिक शो होगा उस वक्त, हम पानी के बीचों बीच होंगे या नदी के बीचों बीच होंगे क्रूज में, और ये 1.5 घंटे का टूर रहता है तो क्या ही खोटा है ना, वही बात है। आप ये विक्टोरिया हार्बर से भी बुक कर सकते हो ऑन द स्पॉट, या फिर कैट योर गाइड क्लूक हो गया उसमें भी आपको ये टिकट्स मिल जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री ऑल इज कॉम्प्लीमेंट्री, अरे तेरी सही है यार, बेवड़े को तो मजा आ जाएगा। अब 8 बजने में सिर्फ 2 मिनट बची और सब शांत हो गया, मतलब देख लो सारी क्रूजें जो चल रही थी एक जगह पे रुक गई है, हमारी भी रुक गई है, वो भी रुक गई है, और वहाँ पे पब्लिक बहुत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस अगर ये एक्टिविटी की बात करूँ ना, ये ही क्रूज वाली सिम्फनी ऑफ लाइट्स शो देखने की, तो ऐसा है कि पैसा वसूल तो है लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि 1.5 घंटा बताते हैं, लाइक 90 मिनट्स का बताते हैं कि इतना होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट 7:10 को यहाँ से बोट गई थी और अभी 8:10 हुए, मतलब 1 घंटे का काम रहता है, 8 बजे वो शो चालू होता है, 8:10 को ख़त्म हो जाता है सिम्फनी लाइट शो, ये ध्यान रखना। एनीवेज अगर पूरे वीडियो की या फिर पूरे दिन की बात करूँ तो काफ़ी शानदार गया है, मतलब पहला दिन था, थकान तो है बिकॉज कल रात की फ्लाइट थी, आपको पता है कि रात की फ्लाइट होती है तो नींद बराबर होती नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी अच्छे से सो जाएगा ना, क्या ही दिक्कत है, कल फिर एक नया दिन होगा, कल नए अट्रैक्शन जाएंगे, डिज्नीलैंड जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको डिज्नीलैंड का मिलेगा, बता दिया पहले है ना।
लेकिन एनीवेज मैं यही बता रहा हूँ कि ये वीडियो में आई होप आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी मिला हो। हाउ एक्सपेंसिव इज हांगकांग वो तो अभी आपको जज करना है जगह के हिसाब से। बाकी इतना मैं बता दूँ जितना मैंने जज किया कि स्टेज खाना पीना ये दुबई वगैरह मैं कंपेयर करूँगा तो दुबई सिंगापुर ऐसी सिटी से ही करूँगा, इंडिया से कैसे ही करूँ ना, रेट तो फिर जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। दुबई के कंपैरिजन में होटल स्टे वगैरह महंगा है, दुबई के कंपैरिजन में खाना पीना यहाँ पे महंगा है, लेकिन अट्रैक्शन की बात करें तो दुबई के कंपैरिजन में सस्ता है। बिकॉज दुबई का कुछ छोटा मोटा अट्रैक्शन भी थाउजेंड्स में होता है बहुत सारा, और यहाँ पे कपल ऑफ थाउजेंड में या फिर 1000 के आसपास में भी काम हो जाता है कुछ कुछ अट्रैक्शन में, वही बात है। एनीवेज गाइस अंत में यही कहूंगा कि जो कंट्री जाता हूँ उसके हिसाब से मैं टूर्स आइटनरी बनाता हूँ, मतलब बजट के हिसाब से भी बनाता हूँ कि बजट की चीजें कर सके, और थोड़ी लग्जरी चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें भी करता हूँ ताकि कि फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी हो कि आप जब अपना ट्रिप प्लान करो तो कौन सी चीज छोड़ सको, कौन सी चीज पकड़ सको और वो चीजें अनुभव कर सको, और जो चीज छोड़ रहे हो तो मेरे वीडियो के माध्यम से अनुभव करोगे, वही बात है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल, बने रहे। ये क्या चीज है भाई, होगा कुछ पता नहीं मेरे को, बीजिंग 2008 लिखा है। अच्छा।